he was suffering for long, but we did not expect that the end will come. Somehow or other we had the belief that he struggled so many battles, and as valiantly he fought against death, even during this battle, he will succeed. Never expected the end will come soon. Very sad to know about the demise of the nation's beloved leader, Sri Atal Bihari Vajpayee. बड़ी जद्दोजहद कहीं ना कहीं जिंदगी के लिए कि मैं इतने आसानी से मुझे कोई नहीं उठा ले जा सकता, इतनी आसानी से मुझे कोई नहीं हरा सकता. ये जो भाव उनका राजनीति में भी राजनीति करते करते रहा, वही कहीं ना कहीं लगा जो मृत्यु से उनका जो युद्ध चल रहा था एक प्रकार से. और एक ऐसा तेजस्वी तारा था माननीय अटल जी, ये राजनीति के आसमान में एक तेजस्वी तारा, सबसे अलग चमकने वाला तारा था. और ऐसा लगता है वो सितारा, वो तारा आज अस्तंगत हो गया. हम सब के लिए ये दुख का विषय है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोगों के बीच नहीं रहे. कुछ समय के बाद उनकी बॉडी फिर रेजिडेंस पर जाएगी, वहीं पर लोग अपनी आदर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं. पिछले 30 साल में तो एक बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ा लीडर, जिसको देश में और विदेश में भी लोग जानते थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी. चाहे उनका संबंध एक दूसरी अलग पार्टी से हो, लेकिन उनको सभी दलों के लोग उनका आदर करते थे, इज्जत करते. और उसके कारण यह है कि वो भी सभी दलों के नेताओं का और सभी दलों के पार्टियों का सम्मान करते थे, मान सम्मान करते थे. उनके जाने से जो शून्य पैदा हुआ है कभी भरा नहीं जा सकेगा. उनके चरणों में प्रणाम. हम सभी के लिए ये बड़े दुखद बेला है. एक अद्भुत इस प्रकार का व्यक्तिमत्व जिनका था, ऐसे अटल जी जो ये कहते थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, आज काल ने उनको अपने पास ले लिया.